मसीह की इस रात्रि काल के प्रार्थना में आप लोगों को वेलकम है। आइए हम सब एक मन होकर आज प्रार्थना करेंगे और उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। आप लोगों के परेशानियों के लिए, आप लोगों की जरूरतों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों के पतियों के लिए और पत्नियों के लिए, आपके जीवन के लिए। तो आप हमारे इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी निवेदन मिल सके, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। और ये सेवकाई जो प्रभु ने हमें दी है, उसका पार्ट आप भी बनकर और प्रभु के कार्य को आप पूरा करिए। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप दाऊद के परमेश्वर हो, अब दाऊद के पुत्र कहे जाने वाले परमेश्वर हो, वचन को ना बदलने वाले परमेश्वर हो, स्वर्गीय पिता हो, जो हर कार्य को सिद्ध करते हो। आप सर्व ज्ञानी हो, संसार की ज्योति हो, सच्ची ज्योति हो, हर एक मनुष्य को प्रकाश देने वाले परमेश्वर आप हो। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का मेमना, मैं आपको धन्यवाद स्तुति देती हूँ। स्तुति किए हुए परम प्रधान के पुत्र, मैं आपको महिमा देती हूँ। आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। आप ही मेरे चरवा हो, आप मेरे प्रभु जी अच्छे चरवा हो। प्रभु, आप हमें कभी ना छोड़ोगे और कभी ना त्यागोगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। हमारे रोगों को सहने वाले और हमारे ही दुखों को उठाने वाले यीशु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हमारी शांति के कारण आपको ताड़ना सहनी पड़ी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप अल्फा ओमेगा हो, आपका प्रेम अगापे प्रेम है, आपका प्रेम सबसे उत्तम और महान प्रेम है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी हर बातों में। प्रभु यीशु, जब हम वचन की ओर जाते हैं, तो आप हमें अपनी बुद्धि और समझ को दीजिए, और इन वचनों को हम समझने वाले हो और अपने जीवन में लेकर चलने वाले हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब इफिसियों की पुस्तक से देखेंगे पहला अध्याय और 3 वचन से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में स्टेटमेंट कर दिया। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो। प्रभु, इन वचन के द्वारा सच में प्रभु जी आपने हम लोगों को प्रभु चुना, ताकि हम आपके प्रभु जी आशीषों को पा सके और लोगों को आपका नाम बताने वाले हो। मेरी यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ती, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की ज्योति ज्योतिमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीराश की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरुवरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता अधिकार सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोग पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा और बिठाया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु जी,
आज आप मेरे लोगों को पूर्ण करिए मेरे खुदावन। और प्रभु मेरे लोग आज जब सोने को जाते हैं प्रभु, तो आज वो आप प्रभु जी सारे अपने मन की इच्छाओं को आप पर छोड़ दे प्रभु, और आज आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य करिए मेरे यहोवा, और मेरे लोगों के जीवन में नाम धराई को दूर कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ी आशीष दीजिए। और प्रभु जी जैसा कि वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी, और उसका उसको आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा यह मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, और यह नर से निकाली गई है। परमेश्वर आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। जितने यंग बच्चे हैं जिनकी उम्र हो निकली है प्रभु, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, उनके लिए सारे बंद रास्ते खुलने पाए, उनको मैरिज की ब्लेसिंग दीजिए, और जो भी सहायक आपने जहां रखा है वो मिलने के लिए मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। जिन जिन को मैरिज की प्रॉब्लम आ रही, सारे बंधन टूटने पाए, मैरिज का बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह करिए मेरे खुदावन, आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो, और जो सहायक आपने उनके लिए रखा है जल्द से जल्द उनके जीवन में मैं आने के लिए बोलती हूँ। और प्रभु जी अपनी शांति दीजिए, अपनी शांति मेरे लोगों के भीतर उत्पन्न कीजिए, जो अशांति है उनके अंदर अपने किसी चीजों को लेकर, चाहे वो घर की परेशानियां हो, चाहे उनके जीवन में कमी घटी हो, चाहे उनको प्रभु किसी को अपने पैसे कर्जा देना है, उस चीजों की वजह से उनको उनके जीवन में अशांति चल रही है, तेरी शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। तो आप विश्वास रखिए, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आज मैं अपने लोगों पर शांति की आशीष उंडेलती हूँ, आप रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से मैं शांति, यीशु के नाम से आपकी शांति को देती हूँ, यीशु के नाम से मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और तुम ना डरो। हालेलुया, ये परमेश्वर आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, आप मत डरो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति जो युगन युग एक सम्मान रहेगी प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, ओ मेरे यहोवा उनको बच्चे की ब्लेसिंग दीजिए, सारे बंद कोक आज खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए। आप मदद करिए प्रभु, आप मदद कीजिए, जब हन्ना आपके द्वार पर आई आपने उन्हें एक पुत्र की आशीष दिया, ऐसी आज मेरे लोगों के जीवन में एक बच्चे की ब्लेसिंग आप दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु जितने लोग कर्जे में हैं, सारा कर्ज उनका उतरने के लिए आप मदद कीजिए, और जिन लोगों का आज जन्मदिन है, जिन लोगों की आज एनिवर्सरी है, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। आप आशीष को पाइए और अपने जीवन में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपको यीशु के नाम को मैं महिमा देती हूँ। और परमेश्वर जितने यंग बच्चे हैं, जितने बड़े बच्चे, सबको मैं आपके पंखों की आड़ में छुपाती हूँ, हर बुराइयों से, हर बुरी संगति से, हर बुरे सोच और विचारों से उन्हें बचा के रखिएगा प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उन पे प्रभु जी मैं बोलती हूँ, उंडेलती हूँ, उन्हें अपने पंखों के आड़ में लेकर रखिएगा मेरे यहोवा। संसार की ऐसी हानिकारक वस्तुएं उनको छूने भी ना पाए मेरे खुदावन। मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बूढ़े माता पिता अपने घरों में है मेरे खुदावन, उन सबको प्रभु अपने हाथों में लेकर संभालिए, उनको प्रभु जी अपने हाथों में लेकर संभालिए, उनके घटनों में, उनके हाथों पैरों में ओ प्रभु अपना नया बल दे दीजिए। मैं मांगती हूँ प्रभु उनके आंखों की झरोखे, उनके आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी हमेशा कायम रहने पाए मेरे खुदावन। ओ उनकी हड्डियों में आपका प्रभु आपकी ताकत को मैं डालती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनकी हड्डियां कभी कमजोर ना होने पाए मेरे खुदावन। ओ जो आपका डर और भय रखते हैं वो हमेशा प्रभु जवान रहते हैं, तो ऐसे आज मेरे जो प्रभु जी बूढ़े माता पिता हैं उन सब पे प्रभु आपका पवित्र लहू
लहू लगाती, उन्हें संभाल के रखिएगा मेरे खुदा, और वो आपके कार्य को निरंतर करते रहे और आपके राज्य में आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियों को दीजिए मेरे यहोवा। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरे लोगों के जीवन में, प्रभु जी बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी जॉब नहीं है, उनके लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम कीजिए। उनके बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस को चलने के लिए मदद कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आप महान परमेश्वर हो, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। आज सारे बंधन टूटने पाए, सारे अंधकार की शक्तियां ढाई जाए, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए मेरे यहोवा। हर परेशानियों को हमारे लोगों के जीवन से दूर कीजिए, हर कष्टों को दूर कीजिए यीशु मसीह। आप अद्भुत कार्य कीजिए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु हूँ और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना क्या दूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ, और आप देखोगे कि तुम्हारे जीवन से हर परेशानी, हर तकलीफ, हर कर्जा दूर हो गया यीशु के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा आपके सारे कर्जे उतर गए, आप स्वतंत्र हो गए, आप आजाद हो गए हर एक उस बॉन्डेज से जो आपको बांध के रखा है। क्योंकि यीशु के नाम से जिसे हम स्वतंत्र करते, उसे यीशु स्वतंत्र करते हैं। प्रभु आपके दास के नाते, प्रभु जी आज हम दोनों प्रभु जी दास और दास से मिलकर अपने लोगों को स्वतंत्र करते हैं, और स्वर्ग से आप उत्तर को भेजकर उनको स्वतंत्र कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर डर भय की आत्मा मेरे लोगों के जीवन से दूर कीजिए, और धीरज की आत्मा दीजिए, विश्वास की आत्मा दीजिए। क्योंकि विश्वास ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमारी आंखें नहीं देखती वो आप हमारे जीवन में करते हो। हमारे सोच से भी बढ़कर आप हमें देने वाले परमेश्वर हो। हमारी हदों को बढ़ाइए, हमारी मिनिस्ट्री की सेवाओं को बढ़ाइए, सीमाओं को बढ़ाइए मेरे खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु कि हम और प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए। ओ प्रभु, जो लोग हमें निवेदन देते हैं, हम निरंतर हम प्रार्थना करते जाएं और हमारे लोगों के जीवन में उत्तर मिलता रहे, और ताकि हम बड़ी बड़ी गवाहियों को बांटने वाले हो प्रभु जी। जो कार्य आपने अपने दास को और मुझे दिया है प्रभु, उस कार्य को हम ईमानदारिता के साथ करें मेरे खुदावन प्रभु जी। और हमें प्रभु अपने वचनों में, अपने आप प्रभु जी अपनी सामर्थ में बढ़ाइए, ताकि हम और दिन रात प्रार्थना में लगे रहें, दिन रात आराधना करते रहें, और हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे लोगों में अद्भुत कार्य हो, बड़ा छुटकारा आए, बड़ी बेदारी आए, और उनका पूरा का पूरा घराना बचाया जाए। इस प्रार्थना के द्वारा सारे अंधकार की शक्तियां ढाई जाए, मेरा विश्वास है आप ऐसा करेंगे मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से बोलती हूँ प्रभु। आज जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री बन रहा है मेरे खुदा, हर चीजों का अरेंजमेंट आप कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिन जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, उनको 100 गुना फल लाने वाला बनाइए प्रभु। मैं सच में प्रभु मैं चाहती हूँ वो 100 गुना फल काटने वाले हो प्रभु। और जो लोगों ने बोला है देने के लिए, उनके कामों में, उनके बिजनेस में इतनी आशीष दीजिए प्रभु, इतनी आशीष दीजिए, इतनी बरकत दीजिए, जिस भवन के लिए हाथ को बढ़ाए प्रभु, उनके जीवन से सारी कमी घटी दूर कीजिए प्रभु जी यीशु। इस समय मेरे खुदावन सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हो। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल कीजिए, उत्तर को हमारे लोगों के जीवन में दीजिए यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आज सब साथ में मिलकर बोलिए आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रे टावर बन रहा है और काम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं जो भी काम है सारा चल रहा है यहाँ पे, और ये सारा। तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो, और जो भी आर्थिक चीज़ें हैं इसमें वो भी पूरा हो आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा। और अगर परमेश्वर के भवन में कोई भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपने योगदान को,
और बीज बोना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ताकि इसके द्वारा तमाम लोग आशीषित हों, और जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा उसमें भी परमेश्वर मदद करे या उनको जीवन में आशीष करे, तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रभु ज़रूर आपको भी आशीष करेंगे। और जल्द से जल्द ये प्रार्थना कीजिए कि ये बन के तैयार हो और प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।